भैया जैसे कि आपको पता होगा कि असम राइफल में टेक्निकल और ट्रेडमैन की जो भर्ती आने वाली है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन उस शॉर्ट नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी थी कि भैया इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो 11 सितंबर 2021 की पब्लिश होने वाली रोजगार पत्रिका में डाला जाएगा, यानी कि आपको इसके बारे में जो पूरी जानकारी मिलेगी उस नोटिफिकेशन के आने के बाद ही मिलेगी। लेकिन अभी तक जो मैंने जानकारी इसकी ऑनलाइन निकाली है, साथ में कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, कौन इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट या फिर फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने पड़ेंगे, इसमें किस वेबसाइट से आपको इसका फॉर्म फिल करना है, और फिजिकल या फिर एग्जाम की क्या डिटेल होने वाली है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में ज्यादातर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो हमें चलना पड़ेगा भैया कंप्यूटर की स्क्रीन पर, क्योंकि जो ऑफिशियल जानकारी है या फिर जो ऑनलाइन मैंने जानकारी निकाली है वो आपको यहीं से मिलेगी। तो भैया यहाँ पर मैं www.formjankari.com पर आ गया हूँ, जिसमें मैंने असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रैली की जो 2021 की वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है उसकी पोस्ट पर आ गया हूँ। काफी सारी डिटेल्स को हमने यहाँ पर पब्लिश कर दिया है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग डेट का पता चल जाएगा, कब इसके फॉर्म खत्म हो रहे हैं, कितनी क्या इसमें वैकेंसी आने वाली है, और मिनिमम एज लिमिट क्या है इसकी। मैक्सिमम एज के बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है, मुझे पता है आप लोगों को भी मैक्सिमम एज लिमिट का ज्यादातर इंतजार रहेगा, कितना क्या इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो काफी टाइम से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, और हो सकता है इसमें अगर 23 साल की एज लिमिट कर दी गई, जिसमें बताया गया कि भैया 18 साल से 23 साल के बच्चे ही इसमें फॉर्म फिल पाएंगे, तो काफी सारे बच्चों की एज निकल चुकी होगी। लेकिन अगर इसमें 25 से लेकर 28 तक एज लिमिट दी जाती है तो काफी सारे बच्चे इसमें आ सकते हैं। अब तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि भैया इसमें मैक्सिमम एज लिमिट क्या होने वाली है। वैसे तो ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, लेकिन इसमें अलग अलग स्टेटों को अलग अलग कोटा दिया गया है कि भैया हम इस स्टेट से इतने बच्चे लेंगे, इस स्टेट से इतने बच्चे लेंगे, और इसकी जानकारी भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएगी। एग्जाम की डेट भी यहाँ पर बता दी गई है, जो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था वो मैं अभी आपको आगे चल के दिखा दूंगा, उसमें जो डिटेल में जानकारी दे रखी है उसके बारे में भी बात करेंगे। एग्जाम की डिटेल इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन दे दी गई थी, वो थी 1 दिसंबर 2021। अब भैया ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले तो हम चलते हैं इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन में और बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन के बारे में, क्या क्या इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन जानकारी दे रखी है। तो भैया ज्यादातर वेबसाइटों पर आपको यही वाला नोटिफिकेशन मिला होगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था भैया, इस वीडियो में आपको और भी काफी सारी जानकारियां मिल जाएंगी, इसके फिजिकल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपको तैयार करके रखने हैं इसके फॉर्म फिल करने से पहले, नहीं तो हो सकता है आपके फॉर्म में मिस्टेक हो जाए। तो भैया सबसे पहले तो हम इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर ऐसा साफ साफ लिखा है कि भैया असम राइफल की जो 2021-22 की वैकेंसी आ रही है उसमें टोटल वैकेंसी जो होंगी वो 1230 होंगी। टोटल इसमें 21 वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ग्रुप बी के और ग्रुप सी की पोस्टें रहेंगी। इसका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यानी कि पीईटी होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो हो सकता है 1 दिसंबर 2021 को रखा जाए। इसमें भी यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है कि भैया 1 दिसंबर 2021 को ही रखा जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 1 दिसंबर 2021 के आसपास ही इस एग्जाम को रखा जाए या फिर 1 दिसंबर 2021 को ही इस एग्जाम को रखा जाए। और ये जो रैली की भर्ती होगी, जो कंडक्ट करी जाएगी, ये वाली रैली की भर्ती वो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन के सेंटर पर ही की जाएगी, जैसे कि हर बार से ही होता आ रहा है। तो भैया आपको आने जाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और दूसरे पॉइंट में ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया वैकेंसी जो आएंगी वो स्टेट वाइज ही आएंगी और कैटेगरी वाइज आएंगी। इसका मतलब यह है कि हर कैंडिडेट को अपना डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी और परमानेंट एड्रेस सर्टिफिकेट PRC जो भी उसके स्टेट का है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम लगाना पड़ेगा। जो इसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आएगी वो इसके नोटिफिकेशन को पब्लिश करने के बाद ही आएगी, जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पता चल जाएगा, जो कि 11 सितंबर 2021 को पब्लिश किया जाएगा। सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इसकी वैकेंसी के लिए जो कि ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। इसमें कोई भी ऑफलाइन सिस्टम नहीं है, ना ही आपको फॉर्म को फिल करने के बाद पोस्ट करना है। इसकी डिटेल आपको www.assamrifle.gov.in पर भी मिल जाएगी 11 सितंबर 2021 के बाद। नीचे इसकी डेटों के बारे में जानकारी दे रखी है। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म बनना स्टार्ट होंगे वो 11 सितंबर 2021 से किए जाएंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 25 अक्टूबर 2021 रहेगी। तो ये तैयारी करने के लिए यहाँ पर आपको 1 या 1.5 महीने का टाइम दिया जा रहा है, यानी कि 25 अक्टूबर 2021 को इसके फॉर्म भरना खत्म होंगे और 1 दिसंबर 2021 को आपका फिजिकल रिटर्न एग्जामिनेशन वगैरह होने लगेगा। अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं या फिर आप कोई डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं या आपके फादर वगैरह असम राइफल में पहले से ही काम कर रहे थे तो आपको इसके लिए अलग से छूट मिलेगी, उसकी जानकारी भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद मिलेगी। तो भैया ये तो हो गई बात इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन की। अब बात करते हैं जो भी जानकारी मुझे ऑनलाइन मिली है, यानी कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या आपको जरूरी साथ में रखने पड़ेंगे इसके फॉर्म को फिल करते टाइम। तो सबसे पहले जैसे कि आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा, मूल निवासी आपको रखना पड़ेगा, और अगर आप किसी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं और आप अपना जाति लगा रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपना साथ में रखना पड़ेगा। तो दो डॉक्यूमेंट तो ये हो गए, मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको फोटो लगानी पड़ेगी। फोटो कोशिश करिएगा व्हाइट बैकग्राउंड में आप बनवा लें जिसमें नाम और डेट डला हो। नाम और डेट डले होने से फायदा ये हो जाएगा भैया, अगर बिना नाम डेट की फोटो लग रही होगी तो वो ऑनलाइन वाला उसको क्रॉप कर देगा। और व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो से ये फायदा रहेगा कि ज्यादातर जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाते हैं
उसमें ज्यादातर फॉर्मों में व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो ही मांगी जाती है। उसके बाद साइन आप ऑनलाइन की दुकान पर या फिर खुद मोबाइल से फिल कर रहे हो तो आप खुद ही स्कैन करके अपलोड कर लेंगे, चाहे वो ब्लैक पेन से साइन करने हो या फिर ब्लू पेन से। और इसके बाद भैया यहाँ पर दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, यानी कि टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए वैकेंसी आई है। तो टेक्निकल के लिए आपको कम से कम 12th पास होना ही पड़ेगा, और ट्रेडमैन के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो हो सकता है आप 10th से फॉर्म फिल कर पाएं। तो भैया अगर आप टेक्निकल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और अगर आप ट्रेडमैन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट से भी काम चल जाएगा, और साथ में आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और इसके अलावा आप जो भी अपनी डिटेल लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे ये मिनिमम डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट जो कि आपको फॉर्म फिल करते टाइम जरूरत पड़ेगी। एज लिमिट के बारे में तो भैया मैं सिर्फ इतना ही बोल पाऊंगा कि 18 साल से 23 साल के बीच में तो आप अपना मान के चलिए कि आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, लेकिन 23 साल के ऊपर अगर कुछ छूट मिल जाती है या फिर ये लोग थोड़ी एज लिमिट ज्यादा बढ़ा देते हैं, 25 साल कर देते हैं, तो 1-2 साल वो अलग से हो जाएगा, जो कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि भैया ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक इसका कुछ आया नहीं है, तो जो भी जानकारी मैं बता रहा हूँ वो आपको पुराने एग्जामिनेशन जो फॉर्म इसके भरे गए थे आसाम राइफल के, जो पुरानी भर्तियां हुई थी, उससे जानकारियां निकाल के मैं बता रहा हूँ। तो अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है या फिर कुछ चेंजेस वगैरह हो जाते हैं तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये भैया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है assamrifle.gov.in। आप 11 या 12 तारीख को इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने के बाद इसको विजिट कर सकते हैं। अभी इसमें ज्यादा कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आसाम राइफल की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दें, लेकिन अभी ये लोडिंग में चल रही है, यानी कि अभी इसमें कुछ अपडेट नहीं किया गया है, तो हो सकता है 11 या 12 तारीख को ये अपडेट हो जाए। इसके बाद बात करते हैं भैया हम फिजिकल के बारे में, जो इसमें फिजिकल होगा PST या फिर PET होगा, उसमें कितनी क्या हाइट मांगी जा सकती है, कितना क्या चेस्ट का साइज मांगा जा सकता है और क्या क्या हो सकता है। तो भैया ये डिटेल भी मैंने इसकी पुराने एग्जामिनेशन फॉर्म से निकाली है, पुराने फिजिकल से निकाली है, हो सकता है इसमें भी कुछ चेंजेस हो जाएं। तो भैया पुराने फॉर्म में ऐसा साफ साफ दे रखा था कि हाइट भैया इसमें 170 मांगी जा रही है और फीमेल की हाइट इसमें 157 मांगी जा रही है सेंटीमीटर्स में। चेस्ट का साइज मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर। कुछ स्टेज को यहाँ पर छूट भी दी जाती है, जो कि पहाड़ी एरिया के बच्चे होते हैं उन लोगों को छूट दे दी जाती है, तो वो अपने दे सकते हैं। जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा हम उसमें डिटेल में कवर कर लेंगे इसके बारे में। तो भैया बस इतनी जानकारी थी इसके नोटिफिकेशन में, जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं उसके बारे में डिटेल में पूरी वीडियो बना दूंगा, कैसे कि आपको इसमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा, मोबाइल से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, PC से फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो भैया अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड या फिर आसाम राइफल की वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।